सो माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओ गाइस, आज इस वीडियो में आज आपको मैं सिखाने रहा हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। लड़की के साथ फोटो एडिट करना सिखाऊंगा और देख सकते हो स्क्रीन में काफ़ी अच्छा फोटो लग रहा है मेरे भाइयों। अगर आप इस वीडियो को बिना इसके फुल वॉच कर लोगे ना, तो बिल्कुल आप भी रियल तरीके से फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। और हमारा जो रियल फोटो है उसको भी देख सकते हो कुछ इस टाइप का है मेरे भाइयों, और हमने कुछ इस प्रकार इसको बना दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं यार। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटी है उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते गाइस वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जो रियल फोटो रहेगा ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को शेयर कर लेना है यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फोटो को शेयर कर लेता हूँ। तो सो गाइस, इसके अंदर जैसे फोटो आ जाता है ना, तो आपको टूल्स में क्लिक कर लेना है। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ट्यून मैजिक में। ठीक है, ट्यून मैजिक में जाने के बाद फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा लेना है, ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा लेना है 50+। ठीक है, और नीचे आ जाना 3 नंबर में सेल चूल, तो इसको इंक्रीज कर लेना यहाँ से मेरे भाइयों 30+। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना 30+। और इसके नीचे वाला है इसको आपको बढ़ा लेना है यहाँ से 50+। ठीक है, इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर लेना है। सो गाइस, तो राइट में क्लिक करने के बाद आपको एक बार टूल्स में और क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स में जाना है मेरे भाइयों, और डिटेल्स में जाने के बाद फर्स्ट में तो इसको कुछ नहीं करना, इसके नीचे शार्पिंग, तो शार्पिंग यहाँ से इंक्रीज कर लेना है 50+ कर देना है या 49 रख लेना है, और फाइनली यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। तो सो गाइस, देखती हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद मेरे भाई को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डन वाले आइकन में क्लिक कर देना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो सो गाइस ये गैलरी में आ चुका है हमारा फोटो, यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो इसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसका बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना नहीं आता है ना मेरे भाइयों, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अगर आप 1 क्लिक में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। तो देखते हो मैंने कुछ ही टाइप्स को बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करूँगा, तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेना मेरे भाइयों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सो माई यूट्यूब फैमिली, जैसे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है ना, तो आपको प्लस वाला आइकन देना मिलेगा नीचे तरफ, प्लस में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक करने के बाद आपको एड फोटो में क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे क्लिक करोगे आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से कैसे आपको कुछ ही टाइप का बैकग्राउंड मिल जाएगा, देखते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और आपको यहाँ पर दिलूंगा एड फोटो, एड फोटो में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। तो गाइस, एड फोटो में जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक लड़की वाला PNG ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ले लेना है यहाँ से। तो मैं बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और बैकग्राउंड भी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोनों मैंने ले लिया गाइस, मेरा वाला भी ले लिया और जो लड़की वाला है उसको भी ले लिया। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, मैं इस फोटो को इसको क्रॉप करके इसको हटा लेता हूँ, हट जाएगा ये। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको क्या करूँगा, मैं इस प्रकार से रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पर फ्लिप वाला ऑप्शन दे लो, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर में वाला ऑप्शन दे मिलेगा, इसमें आप क्लिक करोगे ना तो कुछ प्रकार से रोटेट हो जाएगा। तो इसको पकड़ कर दोनों उंगलियों से जूम कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, और फिर लड़की वाले फोटो में टैप करने के बाद इसको इस प्रकार से रख लेना है, देखते हो। ठीक है मैडम, ऐसे लगा लेना है। तो हम इसको आगे की तरफ लगाएंगे, तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको तो सो गाइस, यहाँ जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन देने मिलेगा। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देने मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो हमारा फोटो पीछे चल जाएगा और लड़की वाला फोटो ना वो आगे आ जाएगा। तो इसको पकड़ कर ऐसे सेट कर लेना है, देखते हो मेरे भाई कुछ ही प्रकार से। और मेरे फोटो में क्लिक करके मैं इसको इस प्रकार से सेट कर लेता हूँ, देखते हो। ठीक है, हो चुका है दोनों सेट। होने बाद फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपना फोटो है ना उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, इस टाइप का देखने मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और आपको ह्यू वाला ऑप्शन देने मिलेगा, इसमें जाना है आपको। जाने के बाद जो लाइन आएगी गाइस, यहाँ से आप कलर मैच कर लेना, देख दियो हमारा पेज में कैसा कलर है और लड़की वाला पेज में कैसा कलर है। तो मैं इसको देखती हूँ, जैसे प्लस कर रहा हूँ ना तो कलर मैचिंग हो रहा है, तो यहाँ से हल्का सा कलर मैचिंग कर लेना, यहाँ से देखते हो गया ना मैचिंग। तो इतना मैचिंग करने के बाद फाइनली आपको राइट में क्लिक कर देना है। ठीक है मेरे, राइट में एक बार क्लिक कर देना है, और इस फोटो को थोड़ा बहुत बढ़ा कर लेता हूँ, मैं छोटा लग रहा है तो इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ। ठीक है,
हो चुका है ना। होने के बाद फाइनली आपको ऐसे राइट में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर टूल्स में क्लिक कर देना है। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको रिसाइज में जाना है मेरे भाइयों, और रिसाइज में आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर 1080 इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक नंबर और सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, कोई सा एक नंबर लिख लेता हूँ, और यहाँ रिसाइज में क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर साइज आ चुकी है देख सकते हो 30x12। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करने के बाद 30x12 लिख लेता हूँ, 30x12 ठीक है। 30x12 लिखने के बाद मैं रिसाइज में क्लिक कर लेता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। रिसाइज में क्लिक करने के बाद फाइल में यहाँ से इसको डाउनलोड में क्लिक कर लेता हूँ, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद गैलरी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, शेयर वाला आइकन देने मिलेगा। शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद हम बैकग्राउंड में एलो टून करेंगे, तो आपको लाइटर में एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लेना है, ठीक है गाइस। तो देख पा रहे हो जो हमारा फोटो ने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। आ जाने के बाद मेरे भाई स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, जाना है आपको कलर वाले ऑप्शन में। कलर में जैसे क्लिक करोगे ना आप, तो आपको सामने यहाँ पर मिक्स वाला ऑप्शन देने मिलेगा, ऊपर की तरफ मिक्स में जाना है, और मिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई इसको माइनस कर लाए, देख इसको जैसे माइनस किया हमारे बैकग्राउंड के पीछे येलो टोन आ गया है। तो इसको मैं यहाँ से 62 माइनस कर लेता हूँ, और जो नीचे वाले इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, यहाँ से +26 कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको येलो कलर में क्लिक कर देना है, ठीक है। येलो कलर में क्लिक करोगे जो ऊपर वाली लाइन गाइस, इसको आपको इधर कर लेना है -9, और इसके नीचे वाले इसको आपको +42 कर देना है। फिर आपको यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर देना है, दो नंबर में दे लूँगा ऑरेंज कलर। इसमें क्लिक करने वाले नीचे नीचे वाली लाइन गाइस, इसको आपको प्लस कर लेना है, देखते हो इसको जैसे प्लस कर रहा हूँ पेस में चमक आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से प्लस कर लेता हूँ मेरे भाइयों, इसको +3 रख लेता हूँ। और फाइनली गाइस आपको कपड़ों में कलर चेंज करना है ना, तो आपको इस वाले कलर में क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे क्लिक करोगे ना ऊपर वाली लाइन गाइस, इसको देखते हो यहाँ से प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, तो कपड़ों में कलर आ रहा है। तो अगर आप कपड़ों में कलर चेंज करना चाहते हो ना, इसको यहाँ से माइनस प्लस कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं इसको 0 रख लेता हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो तो रख सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। फाइनली मैं डन में क्लिक कर लेता हूँ। डन में जैसे क्लिक करोगे ना, तो फिर आपके सामने कलर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना और इस वाले कलर में क्लिक करने के वाइब्रेंस, तो इसको यहाँ से बढ़ा लेना है हल्का सा, 8+ कर देना है। और 8+ हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम आ जाएंगे बैक, बैक आने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन दे लेना, इफेक्ट में क्लिक कर देना है, और दूसरे में क्लैरिटी, तो क्लैरिटी को यहाँ से बढ़ा लेना है मेरे भाइयों। इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, यहाँ से 21+ कर देना है, और नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद नीचे नीचे ऑल ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक करने के बाद इसको माइनस कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इसको माइनस कर लेना है यहाँ से, 44 माइनस कर देना है। 44 माइनस हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैक, बैक आने के बाद आपको डिटेल्स में क्लिक कर देना है। फर्स्ट में देख लेगा शार्पिंग, शार्पिंग को आपको यहाँ से 22+ कर देना है, और नीचे आ जाना, ज़्यादा भी नहीं आना थोड़ा बहुत। और मार्क्सिंग और निवाइस, ये दोनों को आपको बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है। मार्क्सिंग को आपको यहाँ से 31, और इसके नीचे निवाइस, तो इसको यहाँ से रख लेना है आपको 50 कर देना है। तो सो गाइस इतना हो जाने के बाद अब देखते हो हमारे फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है। जूम करके दिखा दो तुमको, देखते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड हमारा जो फोटो ना वो हो गया है मेरे भाई। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से सेव टू डिवाइस में क्लिक करना है, गैलरी में सेव जाएगा। तो गाइस आपको बैकग्राउंड है और ये लड़की वाला पीएनजी कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप कि गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।